हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जायकेदार खाना। आज मैं आपके साथ अरबी की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी की रेसिपी शेयर करूंगी। झटपट बन जाती है और इसको बनाना भी आसान होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस टेस्टी सब्जी को बनाना। आधा किलो अरबी लेकर इसको मैंने पहले अच्छे से धोया। इसके ऊपर जो भी मिट्टी लगी थी उसको मैंने सारी निकाल दी। अब एक पतीले में पानी गर्म करने मैंने रख दिया है, इसमें मैं ये अरबी डाल देती हूँ। अरबी डालने के बाद में 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर उबालना है। ज़्यादा नहीं उबालेंगे, नहीं तो अरबी चिपचिपी हो जाएगी। अरबी को अगर हम हल्का सा उबाल लेते हैं तो इसके दो फायदे होते हैं। एक तो अरबी का छिलका आसानी से निकल जाता है और छिलका निकालते वक्त हाथों में खुजली भी नहीं होती है। 5 मिनट अरबी को उबालने के बाद में इसको एक बार मैंने और ठंडे पानी से धो लिया है। अब इसके ऊपर बिल्कुल भी मिट्टी नहीं रह गई है। देखिए, एक चाकू की हेल्प से छिलके को निकालते जाएंगे, बड़ी इजीली इसका छिलका निकल जाता है और हाथों में भी खुजली नहीं होती है। छिलका निकालने के बाद में अपने मनपसंद पीस काट लें। देखिए, मैंने इस तरह से एक अरबी के 4 पीस किए हैं। बची हुई सारी अरबियों को भी मैं इसी तरह काट लूँगी। गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी है। अब इसमें मैं 2 सर्विंग स्पून तेल डालूंगी। हाई फ्लेम पर तेल को अच्छा तेज गरम करेंगे। इसके बाद इसमें मैं अरबी डाल देती हूँ। देखिए, इस तरह से मैंने पीस काटे हैं और कुछ पीस मैंने लंबे भी रखे हैं। अरबी डालने के बाद इसके ऊपर मैं 1/2 छोटा चम्मच नमक भी डाल देती हूँ। अगर हम फ्राई करते वक्त अरबी के ऊपर थोड़ा सा नमक डाल दें तो अरबियाँ फीकी नहीं रहती हैं, हल्की सी नमकीन हो जाती है। इसकी फ्लेम को हाई रखते हुए, लगातार चलाते हुए इस अरबी को मैं हल्की लाइट ब्राउन फ्राई कर लूंगी। देखिए, इस तरह से अब ये लाइट ब्राउन फ्राई हो जाएंगी तो इसकी फ्लेम को मैं लो कर दूंगी। करछी को तिरछा करके तेल निथारते हुए सारी अरबियों को मैं बाहर निकाल लूंगी। अब उसी कढ़ाई में मैं थोड़ा सा तेल और डाल देती हूँ। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा 1/2 छोटा चम्मच जीरा डाल दूंगी। कुछ सेकंड के बाद 2 मीडियम साइज की प्याज का पेस्ट डाल दूंगी। 1/2 छोटा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर प्याज और लहसुन अदरक के पेस्ट को मैं 3-4 मिनट मीडियम फ्लेम पर भून लूंगी। 3-4 मिनट के बाद 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच नमक डालूंगी। और जिस ज्यादा मसाले पीसे थे उसमें थोड़ा सा पानी डालकर बाकी के लगे हुए मसाले भी मैं निकाल लूंगी। आधा कवर करके इन मसालों को मैं भून लूंगी मीडियम हाई फ्लेम पर। बीच बीच में चलाते भी रहेंगे, अगर जरूरत हो कि थोड़ा सा पानी भी डालते जाएं। मसाले भुन चुके हैं। अब 1 मीडियम साइज का टमाटर और 1/2 चम्मच इसमें दही डालूंगी। मीडियम हाई फ्लेम रखते हुए इन मसालों को अब मैं 8 से 10 मिनट भून लूंगी। मसाले अच्छी तरह भुन जाएंगे तो तेल अलग हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें मैं फ्राई की हुई अरबी डाल देती हूँ। अब अरबी को मैं 3-4 मिनट मसालों के साथ में भूंज लूंगी। इसके बाद इसमें पानी डालूंगी। पानी इतना डालना है कि अरबी अच्छे से पक जाए। जब हमने फ्राई की थी अरबी को तो अरबी आधी पक चुकी थी। बाकी की बची हुई अरबी को पानी और मसालों के साथ में पकाएंगे। 1/2 कटोरी इसमें मैंने पानी डाला है। 1/2 छोटा चम्मच नमक, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालकर मिक्स कर लूंगी। और जैसे ही अरबी में उबाल आ जाएगा कवर करके लो फ्लेम पर अरबी को गलने तक मैं पका लूंगी। बीच बीच में खोलकर चलाते भी जाएं। देखिए, अरबी अच्छे से पक चुकी है। एक अरबी को मैं कट करके देखूंगी। इजिली अरबी कट रही है, यानी अरबी बहुत अच्छे से पकी हुई है। अब इसके ऊपर मैं धनिया पत्ती और 1/2 नींबू का रस डाल देती हूँ। नींबू और धनिया पत्ती को भी अरबी के साथ में मिक्स कर लूंगी। देखिए, मैंने मसालेदार सूखी अरबी सब्जी बनाई है। सेम प्रोसेस से अरबी की तरी वाली सब्जी भी बना सकते हैं। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर देती हूँ और इस बेहतरीन स्वादिष्ट अरबी की सब्जी को मैं सर्व कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अरबी की सब्जी तो आपने कई बार बनाई होगी। एक बार आप मेरे तरीके से ये अरबी की सब्जी बनाइए, आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे और इसका जायका मुंह से नहीं जाएगा। खाने वाले भी पूछेंगे कि आपने ये स्वादिष्ट अरबी की सब्जी कैसे बनाई है, तो आप भी बनाइए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपके अरबी की सब्जी कैसी बनी। वीडियो पसंद आया है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक बार फिर जायकेदार खाने में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू so much for watching my video।